धनबाद, कोयला खदानें और इन खदानों में धरती के भीतर भीतर सुलगती हुई आग, एक ऐसी आग जो धीरे धीरे उस कोयले को राख में बदल रही है, जिस पर जमीन पर रहने वाले इंसानों की जिंदगी का दारोमदार है, है या था, शायद था कहना ज्यादा सही होगा। आज कोयले की बहुत सी खानें बंद पड़ी हैं और इनमें काम करने वाले आज बेकार बैठे हैं। बहुत से ऐसे हैं जिनमें कुछ नया सीखने या करने की ना हिम्मत है ना आशा। अगर ऐसे अंधेरे में उम्मीद की कोई किरण रोशनी फैलाए तो आश्चर्य तो होगा ही। ये कहानी है उम्मीद की उस किरण की, ये कहानी है बेबी की। एक लड़की, माँ बाप ने नाम रखा सबीहा परवीन। घर के सब लोग प्यार से उसे बेबी कहकर पुकारते, पास पड़ोस के लोग भी उसे इसी नाम से पुकारते, और शायद वो जिंदगी भर बेबी ही रहती अगर धनबाद में और खुद बेबी की बस्ती में वो न हुआ होता जो 1994 में हुआ था। आज बेबी क्या है, ये जानने से पहले ये जानना जरूरी है कि वो पहले क्या थी। बेबी बहुत मामूली सी लड़की थी और उसके जीवन की शुरुआत भी बहुत आम हालात में हुई, गरीबी और सामाजिक पिछड़ेपन के हालात। झारखंड के धनबाद जिले में नीरसा ब्लॉक की सिबली बाड़ी पंचायत का इलाका एक कस्बे जैसा है, आधा गांव, आधा शहर। सिबली बाड़ी की कुल आबादी में लगभग 70% मुसलमान है। आबादी का काफी बड़ा हिस्सा बांग्ला भाषी है। कुछ समय पहले तक यहाँ बड़ी संख्या में उद्योग थे, जिनमें से अधिकतर अब बंद हो चुके हैं, और उनमें काम करने वाले मजदूरों के परिवार बेहद गरीबी में जीवन गुजारने को मजबूर हैं। आर्थिक रूप से पिछड़ा होने के साथ साथ सिबली बाड़ी पंचायत का इलाका सामाजिक दृष्टि से भी काफी पिछड़ा हुआ है। यही वो हालात थे जिनमें सबीहा परवीन उर्फ बेबी बड़ी हो रही थी। सामाजिक रूप से पिछड़े समुदायों की औरतों को इस पिछड़ेपन की बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है, और वो बेबी ने भी चुकाई। कम उम्र में शादी और फिर घर की चार दीवारी और बुर्के की कैद। उसे बाहर की दुनिया की कोई जानकारी नहीं थी। उसके पास कोई ऐसा हुनर भी नहीं था कि घर बैठे चार पैसे कमा लेती। बस घर में बंद रहती और अपनी किस्मत को कोसती। बचपन उसी मकान में गुजरा हम लोग का। अब्बा हमारे मामूली से काम करते थे ठेकेदार वगैरह में, तो ठेकेदार तो नहीं था लेकिन उसमें वो सुपरवाइजर का काम करते थे। और हम लोग का बचपन का स्थिति, जब काम चला तो बहुत अच्छा है, नहीं चला तो बहुत ख़राब है। आर्थिक स्थिति का हालात अच्छी नहीं रही। हम लोगों ने कोशिश किया कि कुछ पढ़े लिखें, और हमारे अब्बा पढ़े लिखे थे, लेकिन समाज का दबाव और समाज का माहौल ने हम लोगों को पढ़ने नहीं दिया। परंपरावादी विचारधारा के प्रभावशाली लोगों और गरीब मजदूरों के शोषण पर पल रहे कोल माफिया ने शिक्षा और नए विचारों को स्थापित करने की तमाम कोशिशों का हमेशा ही विरोध किया, और वो 1994 में शुरू होने वाले उस आंदोलन के भी खिलाफ थे जो इन हालात को बदलने की जरूरत और संभावनाओं के बारे में आम लोगों को जागृत करने की कोशिश कर रहा था। इस आंदोलन ने सबीहा परवीन यानी बेबी को जीने की नई राह दिखाई, हिम्मत दी कि हर मुसीबत का सामना करे, अपनी मुश्किलों के कारण समझे, अपने रास्ते की रुकावटों को हटाए। ये संपूर्ण साक्षरता का अभियान था। निरसा प्रखंड में साक्षरता का कार्यक्रम 1994 में प्रारंभ किया गया, और पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इस जिले में 5 पंचायतों को चुना गया था। इसमें इस प्रखंड का निरसा प्रखंड का मेढ़ा गांव का चयन किया गया था, और यहीं से इस प्रखंड में लिटरेसी कैंपेन का शुरुआत किया गया। और यह प्रोजेक्ट बिल्कुल ही 100% सफल रहा, और इसी से उत्साहित होकर के पूरे जिले में इस कार्यक्रम को चलाने का निर्णय लिया गया। सिबली बाड़ी पंचायत में अब साक्षरता अभियान शुरू हुआ, और बेबी को इसके बारे में पता चला तो वो फौरन पढ़ने के लिए इन क्लासों में शामिल हो गई। क्लासें शुरू होने के चंद दिन बाद ही उसने बुर्का पहनना छोड़ दिया।
ये एक ऐसा फैसला था जिसने इस इलाके के रूढ़िवादी लोगों की जिंदगी में बड़ी उथल पुथल पैदा कर दी। रीति रिवाजों और सदियों पुरानी परंपराओं की दुहाई दी गई, लेकिन सबीहा अपने फैसले पर डटी रही। साक्षरता वाहिनी के कार्यकर्ताओं का भरपूर समर्थन तो उसके साथ था ही, मगर उसका असली समर्थक तो उसका पति था, जो पूरी मजबूती से उसके साथ खड़ा रहा। धीरे धीरे विरोध के स्वर मंद पड़ गए, सबीहा की जीत हुई और इसका सीधा असर दूसरी औरतों पर भी पड़ा। साक्षरता ज्वाइन किया तो आफ्ताब के यहाँ ही छत पे स्कूल वो चलाता था, तो हम तो हिंदी बिल्कुल नहीं जानते थे, एकदम नहीं, तो वही बैठा के हमको पढ़ाने लगा। जब यहाँ साक्षरता आंदोलन शुरू हुआ तो बेबी जान जो है साक्षरता आंदोलन में यहाँ आई, और जब वो साक्षरता आंदोलन में आई तो बुरके में थी, बुरके में पढ़ने आई, लेकिन जब साक्षरता अभियान में वो पढ़ना शुरू की तो धीरे धीरे बुरका खोल करके रख दी। साक्षरता की क्लासों में मिलने वाली नई नई जानकारियों और जिंदगी के विभिन्न पहलुओं और सामाजिक मुद्दों पर होने वाली बातचीत और बहस ने उसे सोचने समझने की जो ताकत दी, उसने सबीहा परवीन में इतना आत्मविश्वास पैदा कर दिया कि वो दूसरी महिलाओं के लिए एक मिसाल बन गई। बेबी ने ये साबित कर दिया था रीति रिवाजों के नाम पर औरतों को पीछे रखने की तमाम कोशिशों को नाकाम किया जा सकता है। सबीहा परवीन की जिंदगी ने ये दिखा दिया कि साक्षरता अभियान अक्सर ज्ञान के साथ साथ औरतों की जिंदगी पर उनका अपना अधिकार स्थापित करवाने का साधन भी बनता है। पहले हमारी सोच थी एक घर की महिला जो सिर्फ घर के खाना बनाए, घर के बाल बच्चों की परवरिश करे और वो घर ही में रह जाए। पढ़ने लिखाने के बाद जब अपने पैर पर खड़ा होने के लिए तैयार हुए कि अब हमको खुद को काम करना है, तो इतना जानकारी मिल गई कि लोग हमें पूछने आने लगे कि काम कैसे करें। समाज में उस गांव में जो भी समस्याएं छोटी बड़ी समस्याएं होती हैं वो सब लोग अभी सबीहा प्रवीण के पास ही जाती हैं और वहां पे उनसे बातचीत करके अपनी समस्याओं के समाधान निकालती हैं। कल तक दूसरों पर निर्भर रहने वाली बेबी साक्षर होकर घर परिवार की हर जिम्मेदारी को अपने कंधों पर लेने के काबिल हो गई थी। उसने बेहद गरीबी और बदहाली में जीवन गुजार रहे अपने परिवार को आर्थिक संकट से बाहर निकालने का बीड़ा उठाया और बहुत हद तक इसमें सफल भी रही। साक्षरता अभियान से जुड़ने के बाद उसने सिलाई सीखी और लिहाफ और सूट सीने का काम करने लगी। पहले उसने अपने बेरोजगार पति को ये काम सिखाया और फिर आसपास की लड़कियों और दूसरी औरतों को भी सिलाई सिखाना शुरू कर दिया। हमारी आर्थिक स्थिति तो बहुत पहले बहुत ही कमज़ोर थी, लेकिन हमने देखा कि हमारे अब्बा नहीं हैं, हमारे भाई नहीं हैं, हमारी बहनें, हमारी माएँ हमारे साथ हैं, तो इन लोग को लेके चलना है। एक आदमी का कमाई और वो भी एक मजदूरी की कमाई बोलिए, वो कोई नौकरी वाले नहीं हैं, वो कोई अच्छे बड़े बिजनेस में से नहीं हैं, तो हमको तो उनकी मदद करना ही है। इसके लिए हमने सिलाई के लिए बाहर से साया है, अंडरवेयर है, अभी ठंडे का टाइम है तो मौसम में रजाई का खोल है, तकिए के लिए गिलाफ है, ये सब ला के सी लेते हैं। डेली अगर हम 50 रुपया का काम कर लिया आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। नेहरू युवा केंद्र द्वारा सिलाई की ट्रेनिंग देने का एक केंद्र उस इलाके में चलाया जाता था। बेबी को सिलाई की ट्रेनिंग देने के लिए उस केंद्र में नौकरी मिल गई। साक्षरता अभियान के बाद उन्होंने दक्षता हासिल किया, सिलाई का दक्षता हासिल किया, उसके बाद लोगों को सिलाई सिखाना शुरू किया। सिलाई सिखा करके कुछ तो वो आय का स्रोत अपना भी बनाया और महिलाओं को सिलाई भी सिखाना शुरू किया। मैं सिलाई सेंटर बेबी दी के वजह से सीखी, इसलिए कि वो बेबी दी हमको बोली थी, तो बेबी दी को हम अपने घर पर बुलाएँ और अपने गार्जियन से मुलाकात करवाएँ, इसलिए कि मेरे गार्जियन तो अकेले जाने नहीं देंगे, इसलिए उनसे प्रेस करवा करके हम बोले कि उनको बोलिए मेरे गार्जियन को कि हमको सिलाई सीखने का मौका दे। तो बेबी दी 2-3 बार प्रेस की तो हमको घर से ऑर्डर मिल चुका, तो 3 महीने हम कोर्स कर चुके। जब हमको पता चला कि बेबी जी सिखा रही हैं तो उनके पास हम आए, तो हमको उनको मालूम हुआ, किसी का तो बोला, उनको अपना घर का हालात बताया कि बेबी जी, हम लोग 8-10 लड़की थे, हम लोग कभी कोई आता था कभी कोई नहीं आता था, उसी तरह से बेबी जी सलवार है, सूट है, गला वाला साया वाला सब सिखाती थी, जो समझ में आता था
वो हम लोग करते थे, जिन्हें समझ आता बाजी से पूछते थे, बहुत इंटरेस्ट से हम लोग सिखाई और हम लोगों पर ध्यान दी, इसी वजह से हम लोग सीखे। कुछ घर का भी हम लोग कर लेते हैं, सलवार सूट सी लेते हैं, कुछ बाहर से भी हम लोग ला के करते हैं। सबीहा परवीन यानी बेबी जान की इन कोशिशों से परिवार की आमदनी कुछ हद तक बढ़ी, मगर हालात अब भी काबू से बाहर थे। ऐसे में सबीहा ने पापड़, बड़ी, अचार, मुरब्बा वगैरह बनाने की ट्रेनिंग ली और पापड़ बड़ी बनाकर बेचने लगी। उसने दूसरी औरतों को भी इन कामों की ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया। आज भी उसके पास 6-7 लड़कियां सिलाई सीखने और 4-5 औरतें पापड़ बड़ी बनाने की ट्रेनिंग लेने आती हैं। इस सब से सबीहा को आर्थिक मदद तो मिल ही रही है, उस जैसी दूसरी गरीब लड़कियां और औरतें भी ये हुनर सीखकर फायदा उठा रही हैं। खाली सिलाई नहीं, पापड़ बनाना, बड़ी बनाना, अचार बनाना महिलाओं को उन्होंने सिखाना शुरू किया, जो महिलाएं बेचती भी है और घर का काम भी चलाती है। पहले तो हमको बनाने नहीं आता था, अब बाजार से लाते थे तो बहुत पैसा लगता था, और जब सीख लिए बेबी बाजी से तो खुद घर ही में सामान ला करके और थोड़ा थोड़ा बनाते हैं तो हमको फायदा होता है और अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब हम बड़ी अपने बना लेते हैं। आत्मनिर्भरता के इस रास्ते पर एक बार कदम रखने के बाद सबीहा परवीन अपने परिवार के हालात सुधारने के नित नए रास्ते ढूंढने लगी। उसने अपने आसपास की 10 औरतों को इकट्ठा किया और अपनी मदद अपने आप करने वाला एक समूह शुरू कर दिया। इन सब ने हर महीने 10-10 रुपए जमा करने शुरू कर दिए। कुछ ही महीनों में उन्होंने इतने पैसे इकट्ठे कर लिए कि बच्चों की बीमारी और दूसरी घरेलू जरूरतों को पूरा करने के लिए समूह के कोष से कर्ज भी लेने लगी। अब उन्हें रोजमर्रा की जरूरतों के लिए किसी और का मुंह नहीं देखना पड़ता था। कर्ज लेने की शर्म और अपमान से भी उन्हें छुटकारा मिल गया। अब वो नियमित रूप से हर माह पैसा इकट्ठा करके बैंक में जमा करवाती हैं। धीरे धीरे वो बचत साख समूह में भी काम करने लगे और जो बचत साख समूह में काम कर रही थी महिलाएं, 10 महिलाएं, 12 महिलाओं की एक समूह बना था, उस महिला संगठन तो पूरे हमको लगता है निर्षा में तो पहला ही था संगठन, वो इतने सशक्त महिला संगठन था। और जो हम लोग प्रदर्शन धनबाद में भी, डिस्ट्रिक्ट में भी उसको हम लोग ले जाकर प्रदर्शन करवाते थे कि ये देखिए बेबी नाज न्यू लिटरेट पर्सन है जो इतने अच्छे तरीके से बचत साख समूह बनाए हैं, और यहाँ पर हम लोग लगाए थे स्टॉल वगैरह, उसमें वो सारे प्रोसेस कैसे वो बनाती हैं सारे चीज़ बनाकर दिखाई। जितने महिलाएं भीड़ लगाई हुई थी, महिला सम्मेलन हो रहा था, सारे लोग बहुत सारे उत्साहित हो गए बेबी से पूछने लगी कैसे आप बनाए समूह, कैसे आप इस तरह बनाते हैं। साक्षरता अभियान के बुनियादी उद्देश्यों ने बेबी को काफी प्रभावित किया। बहुत से दूसरे लोगों की तरह वो भी समाज की बेहतरी के लिए सक्रिय भूमिका निभाने के लिए तैयार हुई। साक्षर होते ही वो खुद दूसरों को पढ़ाने के काम में जुट गई। उसने आसपास की अनपढ़ महिलाओं को पढ़ाना शुरू कर दिया और जल्द ही एक सफल और लोकप्रिय वीटी बन गई। उसकी लोकप्रियता का राज ये था कि वो सिर्फ कोरा अक्षर ज्ञान ही नहीं देती थी, वो अपनी क्लास में आने वाली औरतों से उनकी समस्याओं पर बात करती और उन्हें नई नई जानकारियां देती। अपनी जिंदगी के उदाहरण देकर उन्हें मुसीबतों से लड़ने का हौसला और हिम्मत देती। यही कारण था कि शुरू शुरू में बड़ी मुश्किल से कक्षा में आने वाली महिलाएं भी न केवल नियमित कक्षाओं में आने लगी बल्कि उनकी सीखने की गति भी बढ़ गई। सबीहा परवीन की साक्षरता क्लासों का चर्चा पूरे इलाके में था। अपनी तमाम परेशानियों के बावजूद उसने एक दिन भी नागा नहीं किया और उसकी छात्राओं में से एक भी ऐसी नहीं थी जिसने अपनी पढ़ाई पूरी ना की हो। वो सिर्फ पढ़ाती ही नहीं है, उसके साथ साथ वो महिलाओं के आर्थिक स्थिति में बात करती है, स्वास्थ्य के मेरे बारे में बात करती है, साफ सफाई रखने के लिए बात करती है। और उस समय वो उसकी सोच थी कि मैं कुछ करूँ, अपने समूह बनाकर कुछ करूँ ताकि और जो महिलाएं हैं आर्थिक स्थिति से जूझ रही है वो भी आगे आ जाए। और यही दिशा देखकर उनको बीटी चयन कर लिया गया। बीटी के बाद उनको फिर दिया गया कि वो भी सेंटर चलाएं और बहुत ही अच्छी तरीके से सेंटर चलाने लगी। जब हम लोग वहाँ पहुँचते थे तो देखते हैं कि हाँ वो सारे महिलाओं को लेकर किताबें लेकर पढ़ाती हैं। एक बुलावे पर वेबिनार जो बुला रही है तो सारी महिलाएं आके बैठ गई
और जब वो दो तीन बातें हमको अहम बातें जब समझाएं कि दीदी मैंने इनको बुरखे उतार के ही छोड़ूंगी, ये मेरा वादा है। तीनों प्राइमर पढ़ाने के बाद भी बेबी अभियान से जुड़ी रही। जो पढ़े लिखे नहीं थे उन्हें घर घर जाकर पढ़ने के लिए और पढ़े लिखों को दूसरों को पढ़ाने के लिए तैयार करती। सबीहा अभियान के हर काम में शामिल रहती, बैठकों, कार्यशालाओं और दूसरे समारोहों में भाग लेती, इलाके के अलग अलग भागों में साक्षरता वाहिनी की मीटिंग आयोजित करवाती और इस तरह बहुत जल्द ही एक मेहनती साक्षरता कर्मी के रूप में उसकी एक अलग पहचान बन गई। साक्षरता अभियान के लिए बेबी ने बड़ी मेहनत और लगन के साथ काम किया। उसने अपने इलाके में हमेशा ही नेतृत्वकारी भूमिका निभाई। इस सब को देखते हुए सबीहा परवीन को सिबली बाड़ी पंचायत की साक्षरता संयोजिका बना दिया। पंचायत कोऑर्डिनेटर बनने के बाद उसके काम का दायरा और भी अधिक बढ़ गया। अब पूरी पंचायत में साक्षरता अभियान की देखरेख का महत्वपूर्ण कार्य उसके कंधों पर था और इस जिम्मेदारी को निभाने के लिए वो पूरी तरह तैयार भी थी। एक प्रक्रिया में एक महिला का विकास कैसे होता है, नीचे का, पहले नवसाक्षर बनी, फिर प्रेरक बनी और प्रेरक बनने के बाद वो जो है उसके पहले पंचायत संयोजिका बनी। लगातार 13 वर्ष से वो अपने क्षेत्र में सिवलीबाड़ी पंचायत और निरसा के आसपास काम कर रही है। पंचायत कोऑर्डिनेटर बनने के बाद बेबी जान ने सिवलीबाड़ी को धनबाद जिले की पहली पूर्ण साक्षर पंचायत बनाने का संकल्प लिया। उसकी प्रेरणा से साक्षरता कार्यकर्ताओं ने एकजुट होकर दिन रात काम किया, घर घर जाकर अनपढ़ों को पढ़ाने के लिए तैयार किया। मुस्लिम महिलाओं को कक्षाओं में लाने के लिए बेबी ने अपने समुदाय के प्रगतिशील लोगों की मदद ली। आखिरकार बेबी और दिन रात अभियान में जुटे उस जैसे दूसरे जुनूनी कार्यकर्ताओं की कोशिशों से सिबलीबाड़ी पंचायत धनबाद जिले की पूर्ण साक्षर पंचायत बन गई। बेबी ने अपनी पंचायत में महिलाओं और लड़कियों, खास तौर पर मुस्लिम महिलाओं को पढ़ाई के लिए प्रेरित करने के विशेष प्रयास किए। शुरू में उसने प्रौढ़ महिलाओं को शिक्षा का महत्व बताकर साक्षरता कक्षाओं में आकर पढ़ने के लिए तैयार किया। साक्षरता अभियान खत्म होने के बाद लड़कियों को स्कूल भिजवाने का अभियान छेड़ दिया। वो घर घर जाकर लड़कियों को पढ़ाने के लिए समझाती, पढ़ी लिखी मशहूर मुस्लिम महिलाओं के बारे में खबरें पढ़कर उन्हें उत्साह दिलाती और पढ़ाई के फायदे गिनवाती। उसके प्रयासों से उसके इलाके की बहुत सी मुस्लिम लड़कियां स्कूल जाने लगी। हमारी कम्युनिटी में पहले ये तो ये था कि हम लोगों को जो है वो घरेलू तालीम तक ही हम लोग सीमित था। हम लोग जो है घर में ही तालीम दे करके जो है बच्चियों को हम लोग आगे नहीं निकालते थे, पढ़ाते थे। सबसे पहले हम उनको प्रेस किए कि हमको और आगे पढ़ने का शौक है और सब कोई पढ़ता है और आगे तक हमको, मैं लड़की होने के नाते हमको नहीं पढ़ने मिला आगे, तो वो गई मेरे गार्जियन से मिली। मिलने के बाद फिर बोली कि ठीक है हम पढ़ाते हैं आगे, तो फिर वही ये साथ दी और मेरे को गार्जियन से मिल करके दाखिला करवाई और दाखिला कर 5 तक तो पढ़े ही थे, फिर और आगे हम 5 क्लास तक पढ़े। सफर तो पढ़ाई से शुरू हुआ लेकिन पता भी नहीं चला और वो एक महिला अच्छी लीडर बन गई, एक नेतृत्व में आ गई और पूरे सिवलीबाड़ी पंचायत के महिलाओं को लीड करना शुरू किया। ये सब साक्षरता अभियान से आई जागरूकता और बेबी के विशेष प्रयासों का ही असर है। युवा लड़कियों के बीच बेबी काफी लोकप्रिय है। वो अपनी हर समस्या उनके साथ साझा करती है। जो बात वो अपने घर वालों से नहीं कह पाती वो बेबी से कह लेती है। बेबी भी अपनेपन और प्यार से उनकी बात सुनती है, उनकी समस्याओं को सुलझाने के लिए हर संभव प्रयास करती है और उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। बेबी दूसरों की मदद करने के लिए अपने घर का काम तक छोड़ देती है। किसी को स्वास्थ्य केंद्र ले जाना हो या बच्चे को टीका लगवाना हो, बेबी कभी मना नहीं करती और इसलिए मुसीबत पड़ने पर लोग आधी रात को भी उसका दरवाजा खटखटाने में नहीं हिचकिचाते। कहीं बस्ती में मान लिया डायरिया हो रहा है, कहीं हैजा हो गया है, तो इसमें जैसे रात को आदमी लोग जैसे मालूम हुआ कि अरे यहाँ बेबी जान है, इन्हीं के पास दवाइयाँ मिलेगा इन्हीं के जरिए, चलो उन्हीं को पकड़ते हैं, तो सब बेबी जान के पास आ जाती थी।
कि हमारा बच्चे का तबीयत खराब है साहब चलिए, 10 बजे रात को आ जाती थी सब। मेरा बच्चा के डायरिया हो गया था तो हम बेबी जान के यहाँ गए, बेबी जान सुना वही रात में बेचारी दौड़ के आया, हमारा बच्चा लोग के दवा खिलाया। इतनी कामयाबी मिलने के बावजूद बेबी को एक नई चुनौती का सामना करना बाकी था। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की भर्ती हो रही थी, एक ऐसी महिला जो उससे कम सक्रिय और उससे कम कुशल थी, केवल इसलिए उस काम के लिए चुन ली गई क्योंकि वो 10वीं पास थी और बेबी को उसकी सहायिका बना दिया गया। बेबी ने उसी दिन 10वीं कक्षा पास करने का फैसला कर लिया। उसने हर दिन पढ़ना शुरू कर दिया। उसके इस प्रयास में सिबली बाड़ी के नोडल प्रभारी दीपक कुमार सहित अन्य साक्षरता कर्मियों ने भी काफी सहयोग दिया और इस तरह पहले ही प्रयास में बेबी नाज ने संस्कृति विद्यापीठ से 10वीं की परीक्षा पास कर ली। जब हम चुने जाने लगे तो यहाँ कुछ गुलबाजी हुई, आपस में लोग तालमेल बना करके और हाँ इनको करना है तो करना है कर दिए, जो सेविका ही उसके साथ में हम काम किए सब जगह। लेकिन जब वो अपने पद पे आई तो उनका नज़रिया ही कुछ अलग हो गया। हमने उसी दिन ठान ली कि अब तो हम कुछ कर ही कहीं रहेंगे और हमने 10वीं की तैयारी शुरू की। उनका एक ही कमजोरी था कि वो मैट्रिक पास नहीं थी। मैंने उनको बताया आके घर में कि ठीक है आप निराश मत होइए, हम आपको पढ़ाएंगे और ज़िंदगी में आगे ले जाएंगे। मैंने सारे घूरते हुए जब आते थे बाहर से तो 9 बजे से 10 बजे रात तक उनके घर में 1-2 घंटा हम पढ़ा दिया करते थे, तो उन्हें बहुत लगन से पढ़ी और माध्यमा की परीक्षा में 2nd डिवीज़न करके भागलपुर से आई तो बहुत खुश हुई। हमारा जो कार्यक्रम है इसकी सफलता आप इसी से आँख सकते हैं कि एक बिल्कुल ही इलिटरेट मुस्लिम लड़की अब मैट्रिक पास कर चुकी है और समाज में महिलाओं के सशक्तिकरण, उनको स्वावलंबी बनाने में ये काफी महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रही है। बेबी सिबली बाड़ी पंचायत की पहली नवसाक्षर है जिसने 10वीं पास की है। उसकी इस उपलब्धि ने अनेक लोगों को अपनी पढ़ाई जारी रखने की प्रेरणा दी है और सतत शिक्षा कार्यकर्ता अब ऐसे लोगों को विभिन्न स्तरों की परीक्षाएं दिलवाने की तैयारी कर रहे हैं। आज बेबी आंगनबाड़ी में सहायिका के रूप में बच्चों की देखभाल करती है, गर्भवती महिलाओं और माताओं को सलाह मशवरा देती है, दफ्तर की सारी लिखा पढ़ी करती है, टीके देने और पोलियो की दवा पिलाने में सहयोग देती है और बच्चों को पढ़ाने में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की मदद भी करती है। वो उन कामों में भी आगे रहती है जिन्हें करना सीधे सीधे उसकी जिम्मेदारी नहीं है। घरेलू जिम्मेदारियों और तमाम तरह के सामाजिक कामों में सक्रिय हिस्सेदारी के बावजूद बेबी ने न अपनी पढ़ाई में न अपने काम में कोई कमी आने दी है। आज धनबाद जिला जो साक्षरता वाहिनी है इसमें बेबी जान ऐसी जो महिला, वो एक मिसाल सिर्फ धनबाद जिला साक्षरता वाहिनी के लिए नहीं बल्कि पूरे देश के लिए एक मिसाल है। आज के डेट में उसकी स्थिति यह है कि अच्छे से अच्छे लोग उसको देखकर प्रेरित होते हैं। मुख्य बात जो है हम जैसे स्वयं सेवक के लिए वो प्रेरणा स्रोत रही है क्योंकि उनका काम देख के मुझे इतना दिन 14 साल में जो संघर्ष हम लोग किए मुझे एनर्जी मिलता है, खासकर मेरे संगठन के लिए एक एनर्जी है। सबिहा प्रवीण जैसी जो महिलाएं हमारे समाज में रह रही हैं वो समाज के अन्य जो हमारी महिलाएं हैं उसके लिए प्रेरणा का स्रोत है और हम सभी लोगों को उनसे सीख लेनी चाहिए। सबसे बड़ी देन है साक्षरता की, अगर हम इन लोग से ना जुड़े होते, साक्षरता की राह से ना चले होते तो आज हमें कुछ भी नहीं मालूम होता कि आगे दुनिया है क्या और इसकी माहौल में हम तब्दील हो भी सकेंगे या नहीं, ये तो हम सोचे भी नहीं थे। सच में साक्षरता ने बेबी को नई जिंदगी दी है और बेबी ने इसके माध्यम से अपने और अपने समाज के विकास का रास्ता ढूंढ लिया है। समाज में न प्रतिभाओं की कमी है न बेबी जैसी अपने समाज के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा रखने वाली महिलाओं की। जरूरत है तो उन्हें मौका देने की, उन्हें निखारने की और इस काम को साक्षरता ने बखूबी अंजाम दिया है। आज सबिहा परवीन इस इलाके में अभियान की पहचान बन गई है। सबिहा परवीन और बेबी वो नाम है जो उसे उसके परिवार से मिले थे, लेकिन साक्षरता परिवार ने उसे दूसरे ही नाम दिए हैं। वो नाम
जिनसे आज उसकी पहचान होती है। सबीहा परवीन उर्फ बेबी से शुरू होकर बेबी नाज तक पहुंचने का सफर गुमनामी से नेकनामी तक का सफर है। ये सफर इस हकीकत की गवाही है कि साक्षरता अभियान और समाज में बेबी ने कितना अपनापन, कितना मान सम्मान पाया है। समाज के बीच उसकी पहुंच कितनी गहरी है। आज हर औरत बेबी नाज के नक्शे कदम पर चलना और सामाजिक रुतबा हासिल करना चाहती है। हर साक्षरता कार्यकर्ता उसके जैसा हौसला, उस जैसी संघर्ष शक्ति और ऊर्जा पाना चाहता है। ये वो पहचान है जो प्यार और इज्जत देने वालों से मिली है। ये सम्मान का वो तगमा है जिसे पाकर जीवन सफल हो जाता है।